हाय गाइस, दिस इज गेमिंग प्रोशन। एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो पर हम लोग बात करने वाले एक और एजेंट के बारे में। हम लोगों ने जो वैलोरेंट की एजेंट गाइड निकाली उसके अंदर, एंड द एजेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज रेज। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल लव रेज, अ लॉट ऑफ पीपल हेट रेज। देर आर रीजंस, बट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि रेज के जो डबल सैचल्स होते हैं ना, ये देखने में मजा आता है। नो वन कैन डिनाई द फैक्ट कि डबल सैचल अल्ट्स देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अब क्यों रेज एक ऐसा कैरेक्टर, हम लोग उसकी बात करेंगे, प्लस रेज की एबिलिटीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, विच इज गोना बी लाइक यू नो रियली रियली गुड। सो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, जिसको रेज की गाइड चाहिए, बेसिक गाइड ये आपको इससे समझने को मिलेगी। सो या अभी मैंने स्पाइक उठा ली है, ठीक है। रेज इज अ ड्यूअलिस्ट। ड्यूअलिस्ट का मतलब ये है कि यू नो द वंस जो कि ऐसे बैटल्स लेंगे, सब लेंगे, फाइट्स लेंगे, सब चीजें करेंगे, वो है रेज आपका कैरेक्टर, कुछ भी होता है। रेज के पास सारी फाइटिंग एबिलिटीज हैं, असिस्टिव एबिलिटीज हैं इन द सेंस। ये एक बूमबॉट है, जो मैं सी दबाता हूं, सी से बूमबॉट आता है। इसकी बेसिक एबिलिटी जो रेज की है ना, वो ये है, ये पेंट शेल है, मतलब एक ग्रेनेड ही है टेक्निकली। आप देखोगे कि ये ना अलग अलग हिस्सों में ऐसे फट जाता है और दुगना डैमेज करता है, इन द सेंस ये अगर है ना, डैमेज किया और डैमेज किया, उस तरीके से ये पेंट शेल काम करता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेंट शेल्स एडवांटेजेस। पहली चीज, आप इसको ऐसे दूर दराज के एरियाज के लिए फेंक सकते हो, अच्छा खासा डैमेज देगा। अगर आपको कोई एंगल नहीं पता है, कुछ आपको लग रहा है पहले मैं नहीं घुसना चाहता, मैं ये करूँगा कोना चेक करने के लिए, एंड फिर मैं घुस सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पूरे एरिया में डैमेज देगा। प्लस इसका लेफ्ट क्लिक बहुत ऊंचा फेंकता है, राइट क्लिक क्लोज फेंकता है, क्लोज बाय, ये या ये, अंडर आर्म या ओवर आर्म, उस तरीके से टॉस करता है। प्लस ना आपको इसके ग्रेनेड के, जो ई वाला ग्रेनेड है, ग्रेनेड के ऊपर आपको ऐसे दो सर्कल से नजर आ रहे होंगे। ये ग्रेनेड अगर आपने एक बार यूज कर लिया ना, तो वापस आपको मिल सकता है उसी राउंड में जब आपने दो किल्स कर लिए हो, ठीक है। दो किल्स के बाद ये ग्रेनेड वापस से मिल जाता है, तो वो एक फायदा रहता है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर एबिलिटी विच इज बूमबॉट। मान लो मैं अंदर एंट्री लिया, इधर की साइड मैंने एंट्री लिया, मैंने ग्रेनेड इधर मार दिया, और फिर मेरे पास, मेरे को ये भी एंगल चेक करना है, ये वाला। सो मैं क्या करूंगा, ये क्लियर, ये क्लियर, ये बूमबॉट ऐसे जाएगा, ये चेक कर लेगा, ये चेक कर लेगा, लाइक ये जो बूमबॉट है ना, देखो आ जाता है। प्लस बूमबॉट की खासियत ये होती है, अगर इसको कोई ओपोनेंट दिखता है ना, तो ये बहुत तेज जाता है उस ओपोनेंट की तरफ और जाकर के फट जाता है। बस ये इसकी खासियत रहती है, ऐसे जाएगा, जहां जहां इसको जगह मिलेगी वहां वहां से रिफ्लेक्ट होगा, कुछ लेंथ तक आगे जाएगा, एंड यहां पर आकर के फट सकता है अगर कोई बंदा दिखे, ये एक अच्छी चीज रहती है। देन कम सैचल। ये सैचल भी डैमेज करता है ओपोनेंट को, अगर सैचल ऐसे लगा हुआ है तो ये डैमेज करता है ओपोनेंट को। कुछ लोग अपने ओपोनेंट पे स्टिक करवा देते हैं कभी कभी, लाइक, या फिर ये चीज, सपोज मैं यहां पर स्पाइक प्लांट हो रखी है, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इधर हूँ, बस ये फेंका मैंने, ओपोनेंट के अगर एचपी बहुत कम है तो ये डेफिनेटली अच्छा खासा डैमेज देगा ये इस एरिया में। लेकिन इसका एक फायदा और रहता है, वो ये है कि ये मुझे बाउंस करवा सकता है बहुत ज्यादा। उस बाउंस की हम बात करते हैं, राइट, कि वो बाउंस कैसा रहता है। नाउ सपोज आई एम हियर, मुझे पता है कि भाई वहां पर या यहां पर कहीं पर बंदे हो सकते हैं, ये मेरा अल्टीमेट है, मैंने अल्टीमेट का यूज किया, सीधा वहां जाकर के फट सकता है, एक बहुत बढ़िया डैमेज दे सकता है, ठीक है। उस तरीके से पीपल ऑल्सो डू दिस, लाइक अगर मैं यहां पर हूं, अल्टी निकाली, सीधा एकदम आगे गए, एंड आगे जाकर के दे कैन जस्ट यू नो ब्लास्ट इट ऑफ या कुछ भी। ये अल्टीमेट का डैमेज इज वेरी गुड, काफी अच्छा डैमेज रहता है अल्टीमेट का, मुझे खत्म कर सकता, लाइक उस हिसाब से मैं खत्म हो गया, लाइक ये सब चीजें। सो दैट्स हाउ इट जस्ट यू नो वर्क्स आउट। मैंने स्पाइक प्लांट कर दी, सपोज कुछ भी कर दिया, उसके बाद अगर मैं फाइट ले रहा हूँ और यहाँ पर मुझे लगता है तीन चार लोग होंगे जो यहीं पे खड़े हैं, कोई एक डिफ्यूज कर रहा है कुछ भी, सो इन दैट केस एज वेल मैं एक काम कर सकता हूँ, ये सैचल मुझे अलग अलग डायरेक्शंस में धक्के मार सकता है। मुझे अगर इधर जाना है, मुझे अगर आगे जाना है, बहुत सारे लोगों का होता है कि यू नो कैसे वो डबल सैचल कर, बहुत सारे लोग ये करते हैं सैचल्स में, विच इज नॉट अ राइट डबल सैचल, राइट, क्योंकि आप ना एक ही एंगल पे देख रहे हो ऐसे में, आप देखो आप सीधा सामने देख रहे हो, और डूइंग अ डबल सैचल यू नीड टू कैलकुलेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि मैं आगे कैसे जाऊंगा। तो पहला वाला ऐसा होना चाहिए जो आपको मोमेंटम दे, फर्स्ट सैचल शुड बी द वन जो आपको मोमेंटम दे, एंड सेकेंड सैचल शुड बी द वन जो आपको हाइट दे, उस तरीके से आपको खेलना पड़ता है ये, एंड देन यू जस्ट ग्लाइड ओवर। सो ये एक तरीका रहता है रेस को खेलने का।
आप आगे गए, फिर आपने यहां पर ये किया, सीधा वहां, जैसे भी आप खेलना चाहो, राइट। ये हो गया एक साइड पर खेलना इस एजेंट का। नाउ बाइंड की एक खासियत है जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताई थी, वो ये है कि बाइंड में ना ऐसे एरियाज रहते हैं, टेलीपोर्टर्स, जो कि आपको टेलीपोर्ट करवा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर आप मैप को देखो ना, मैप में अगर मैं ए साइड पर हूं, मुझे यहां तक आने में ऐसे पूरा घूम के आना पड़ेगा, ठीक है, यहां तक। लेकिन अगर मैं टेलीपोर्टर का यूज कर रहा हूं तो मैं सीधा यहां पर आ चुका। तो दैट्स व्हाई यू जस्ट नो यू कैन प्ले ऑन द मैप ऑफ बाइंड। और इसमें भी अब देखो, मैं सपोज यहां पर आ चुका हूं, मुझे नहीं पता वहां पीछे क्या है क्या नहीं है, मैं सीधा ये यूज कर सकता हूं, मैं सीधा ये यूज कर सकता हूं, जो कुछ भी, मतलब यहां पर भी एक एंगल है चेक करना हो अगर मुझे। सो इसी तरीके से ये यूज होता है। एंड फिर मैं यहां पहुंच गया, मैं अल्टी चला दी, किसी को मार दिया, कुछ कर दिया, वो सब चीजें प्लांट किया। लाइक ये एंगल्स खेलने का तरीका रेस बहुत अच्छे तरीके से जानती है। एंड प्लस सपोज मुझे पता है यहां पर कोई बंदा है, ठीक है, मुझे पीक करना है, मैं वाइड पीक, अब मैं ऐसे चल के पीक करूंगा, ये बहुत बहुत स्लो है, बट नाउ इफ आई डू दिस राइट, एकदम से मैं जंप मार सकता हूं, एकदम से मैं थोड़ा, जो टाइम मुझे यहां से यहां आने में लगता, उससे काफी कम टाइम मुझे यहां से यहां सीधा जाने में लाइक लगेगा। ये एक फरारी पीक ही आप मान लो, तो ये वो बन जाती है। प्लस सैचल मुझे ऐसे एरियाज पर भी पहुंचने में हेल्प करेगा, जहां से मैं ओपोनेंट्स, अगर ओपोनेंट्स को लग रहा है कि उनको सीधा कोई आ रहा है, उनको लगेगा कि वो तो भाई सीधा यहां देखे, सिर्फ सिर्फ यहां फाइट ले, बट मैं तो यहां चढ़ के बैठा हूं, राइट। जब कोई मेरे सामने ज्यादा आएगा तो मैं सीधा यहीं से मार सकता हूं या कुछ कर सकता हूं, कोई ज्यादा आगे दिखेगा आई कैन जस्ट डू दिस, इवन बेटर, ये बाउंस करेगा सीधा वहां जाएगा, मैं लोगों का आना रोक सकता हूं ये सब हरकतें करके। एंड दैट्स हाउ दिस एजेंट इज वेरी वेरी यू नो यूजफुल। सो रेज इज सॉर्ट ऑफ एन एजेंट विच इज वेरी एक्सप्लोसिव, बहुत ज्यादा भयंकर ब्लास्ट्स रहते हैं इस एजेंट के। बट रेज या कोई भी डुअलिस्ट अगर आप खेल रहे हो ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरा एम गेम स्ट्रांग होना चाहिए, माय एम इज समथिंग दैट कैन टेक मी टू प्लेसेस, अदरवाइज दिक्कत है। सपोज अगर लाइक आप खेल रहे हो ऑपरेटर के साथ, आपका एम अगर स्ट्रांग नहीं है तो दिक्कत आप ही को आएगी, आप एक बहुत पोटेंशियल वेपन खो दोगे। ऑपरेटर भाई 47,000 में आती है, 4700 में आती है इस गेम में, सो आप वो खो दोगे। That's how you know you have to understand the usage of the agent and the game. So ये काफी ज़्यादा help करता है आपको understand करने में. But with this agent, I believe race के साथ you can make very explosive and very good plays. You just need to understand you know कैसे करना है, कैसे नहीं, etc. बाकी आप लोग बताना और किस एजेंट की हम लोग बात कर सकते हैं इन वीडियोस के अंदर, बिकॉज एजेंट्स तो सारे आते रहेंगे, प्रिमसुट का आएगा, इसका आएगा, जेट का आएगा, बहुत सारे एजेंट्स का आएगा। सो या लाइक एंड सब्सक्राइब करना इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंडोस्ट्री ऑसम एंड एपिसोड गाइस, हैव अ रियली अमेजिंग डे, टेक केयर, बाय बाय।